हे दोस्तों, वेलकम बैक टू इफेक्ट्स पंडाल। आज हम बनाने वाले हैं इस इफेक्ट को, और इसे बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं Adobe After Effects। After Effects के अंदर ट्रैक मोशन में जब भी आप लोग कुछ भी ट्रैक करते हो तो उसके अंदर आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी वहां पे ऐड कर सकते हो। तो अब मुझे इसकी आइज को ट्रैक करना है। तो देखो, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रैकर बना लिया है, मैंने इसके दो ट्रैकर बना लिए, यहाँ पे उसे डुप्लीकेट कर लिया है। अब जब भी मैं सीन के अंदर इन्हें देखो अभी फॉरवर्ड ट्रैक करता हूँ, तो कहीं पे भी अगर मैं अपनी आइज को ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे उसे यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि एक कॉर्नर से उसे ट्रैक करना चाहिए, ताकि अगर आपकी आंखें बंद भी हों तो वो अच्छे से ट्रैक हो जाए। तो अभी देखो, मैंने इस कॉर्नर को पकड़ लिया है और अभी इसे ट्रैक कर रहा हूँ। तो अभी इस तरीके से ये ट्रैक हो चुका है। दूसरे ट्रैकर को भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे, लेकिन पहले एक ट्रैक को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं कुछ जगह मैन्युअली यहाँ पे करना पड़ रही है मुझे, तो मैं जस्ट इंटरनल ट्रैकर यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट का। इसके अंदर मोका प्रो जैसा एक बहुत ही अच्छा ट्रैकर ऑप्शन भी है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने सीन के अंदर, लेकिन अभी के लिए मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे के लिए भी सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो मैं अपने वीडियो के जस्ट लास्ट में चला जाता हूँ, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एक पॉइंट, और इसे अब जस्ट बैकवर्ड ट्रैकिंग मुझे यहाँ पर करना है। तो अभी जितना बचता है मैं उसे मैनुअली ट्रैक कर लेता हूँ। तो जैसे अभी ये देखो कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे एक नल पॉइंट बना लेता हूँ ट्रैकर बनाने के लिए। लेकिन जब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना वीडियो और इसे ट्रैक कर लेता हूँ, एडिट ऑप्शन में भी जाता हूँ, तो भी क्या होता है, मेरा सिर्फ एक ही ट्रैक होता है, दूसरा ट्रैक नहीं होता है। क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैकर वन यहाँ पर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, एक बार अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो ट्रैकर पैनल में, तो ट्रैकर वन ही यहाँ पे सिर्फ आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ट्रैकर वन के अंदर दोनों पॉइंट्स हैं तो मुझे ट्रैकर वन को डुप्लीकेट करना है। ट्रैकर वन से ट्रैकर टू को डिलीट कर दो, ट्रैकर टू से ट्रैकर वन को डिलीट कर दो। तो अब ये दो ट्रैकर आपके पास बन चुके हैं। अब आप देखो अपने ट्रैकर पैनल के अंदर आप लोग इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग से। अब जस्ट इसे यहाँ पर सिलेक्ट करो, ट्रैकर वन यहाँ पर सिलेक्टेड है, और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट सीखना है तो आप लोग मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाओगे बहुत ही आराम से। तो अब देखो, जैसे कि मेरा ये सीन यहाँ पे ट्रैक हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी आइज़ के ऊपर काम करना शुरू करना है। तो मैं जस्ट वैसे ही एक पहले एक इसका बेस बना लेता हूँ, पेन टूल लेके मैं सिर्फ इसके एक शेप जैसा बना लेता हूँ आइज़ के लिए। या आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपको शेप नहीं बनाना है, आप कुछ और चीज़ कर सकते हो, आप कोई चीज़ उठा के उसे मास्क करके इसके ऊपर रख सकते हो। अब मैं फिल ऑप्शंस के अंदर जब जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो मैं इसे वाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे मैं ग्रेडियंट करूँ, तो मैं फिल ऑप्शंस पे जाता हूँ और इसे ग्रेडियंट कर लेता हूँ। ग्रेडियंट के अंदर होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे दो ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, थोड़ा मैं इन्हें एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को मुझे सेट करना है, तो इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे रख सकता हूँ। जो भी आप ग्रेडियंट में कलर करना चाहो आप यहाँ पे डायरेक्टली आराम से कर सकते हो, जितनी एडजस्टमेंट चाहे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो अपने आइज के कलर के साथ। ये इसका बेस बन जाएगा, मैं इसे जस्ट रीनेम कर लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाऊँ। अब देखो, इसका जो मिडल पॉइंट है, एंकर पॉइंट को मैं मिडल में रखने के लिए कंट्रोल के साथ एंकर पॉइंट टूल से लेके जाता हूँ, तो ये मिडल में ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं इसका डुप्लीकेट निकाल के दूसरी आई के लिए भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब दोनों को मैं लिंक कर देता हूँ अपने अपने नल पॉइंट के साथ। तो अब देखो ये लिंक हो चुके हैं और ये सीन कुछ अभी इस तरह से लग रहा है, ये देखो। अब आपको आइज के अंदर जो भी आप रखना चाहो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। इसके अंदर मैं इफ़ेक्ट्स भी लगा सकता हूँ, जैसे कि ग्लो इफेक्ट अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरी आइज़ जैसे ग्लो कर रही हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ग्लोइंग आइज़ बनानी है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। आप अपनी ओरिजिनल फुटेज को ही मास्क करके उसके अंदर उसी की आइज़ को ग्लो दे सकते हो। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, अगर आप लेयर ऑप्शंस में जाते हो, लेयर स्टाइल्स में जाते हो, तो अगर आप लोगों ने फोटोशॉप यूज़ किया है तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिखेंगे ही। तो मैं यहाँ पर इनर शेडो लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो लेयर स्टाइल के अंदर इनर शेडोज़ के अंदर यहाँ पर सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट इन्हें एडजस्टमेंट करके इस टाइप से कुछ बना सकता हूँ। देखो बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट बन रहा है, आपकी आइज़ थोड़ी अंदर की तरह दबी होती हैं, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे आराम से बना सकते हो। ये देखो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप जैसे जैसे कॉपी पेस्ट करके दूसरी तरफ भी डाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेरी आइज़ का भी बन चुका है बेस।
मैं यहाँ से ग्लो हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। मैं ग्लो हटा के अब देखो कितनी अच्छी अभी यहाँ पे आइज लग रही हैं। आप लोग भूत वाला सीन अगर आप लोगों को बनाना है तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से बना सकते हो। लेकिन अब मैं इसमें शरीन गन डालने वाला हूँ। अगर आप लोग नारुतो के फ़ैन हो तो आपने शरीन गन ज़रूर देखा होगा। मैं जस्ट इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं अपने एक सीन के अंदर डाल देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक तो शरीन गन है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा पैटर्न है उसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने नारुतो देखा है तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि जो दूसरा पैटर्न है उसका क्या नाम है। मैं जस्ट इसे यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एनिमेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ग्राफ एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा इसे स्मूथ आउट करने के लिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के बारे में मैंने बताया है कि ये क्यों यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। अब देखो जो मेरा दूसरा शॉट है, ये जो मेरा दूसरा इमेज है इसके अंदर वाइट स्पेस है, तो उसे हटाने के लिए मुझे फोटोशॉप करना पड़ेगा या तो उसे हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं मास्क कर सकता हूँ। जस्ट डबल क्लिक करूँगा अपने सर्कल पे यहाँ पे और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जस्ट उसे मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पे, इसका ओपासिटी जो है वो यहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट करके इधर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो मैंने इसे नाम दे दिया है, एक अलग सी कॉम्प को नाम दे दिया है। मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ और अब इसे जस्ट एडजस्ट कर लेता हूँ अपने सीन के हिसाब से। जस्ट आपको उसे एडजस्ट करना है और उसे जस्ट लिंक करना है अपने नल पॉइंट से जो भी आपने बनाए हैं, ट्रैक किए हैं। तो अभी देखो मैं एक और इसका डुप्लीकेट यहाँ पे निकाल लेता हूँ और इसे दूसरी तरफ रख देता हूँ। अब ये दोनों शरीन गन जो है जो बेस के ऊपर से निकल रही हैं, पहले तो मैं इन्हें ट्रैक कर लेता हूँ, ट्रैकर पॉइंट्स के साथ इन्हें ट्रैक कर लेता हूँ। अब ये बेस के ऊपर निकल रही हैं तो उन्हें हटाने के लिए मुझे अब क्या करना है, मुझे अपने बेस के डुप्लीकेट्स निकालने पड़ेंगे। बेस के डुप्लीकेट्स निकाल के मैं अपने शरीन गन के ऊपर रखता हूँ, मुझे बस चेक करना है कौन किस साइड पे है और इन्हें ऊपर नीचे रख के सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट मुझे अल्फा मैट ऑन कर देना है तो वो कट जाएगा वहाँ से। मैं यहाँ पे रोटो ब्रश का भी यूज़ कर सकता हूँ, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने सीन को फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोई ट्रैकर की ज़रूरत नहीं है, ट्रैकर डिलीट कर सकता हूँ मैं। अब रोटो ब्रश यूज़ कर सकता हूँ। रोटो ब्रश से क्या होता है, मैं इसे इसकी आइज को ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा अपने सीन के अंदर रखूँगा। रोटो ब्रश आपका टाइम लगा सकता है आपके सीन के अंदर, आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए रोटो ब्रश यूज़ करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है अगर आपका मशीन अच्छा नहीं है तो। तो जस्ट आपको इसे एडजस्ट करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से करते हैं इसे। रोटो ब्रश का यूज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब देखो मैंने थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे कुछ बना दिया है और इसे मैं फ्रीज पे क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रीज पे क्लिक करने के बाद ये चेंज नहीं होता है, ये एकदम से फ्रीज हो जाता है ये इफ़ेक्ट, तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। अब मैं वापस अपनी कॉम्पोजिशन पे जाता हूँ। अब देखो क्या हुआ है मेरे सीन के अंदर, यहाँ पे ये उसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मैंने ट्रैक इसे सही से नहीं किया है और यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है ट्रैक करना, क्योंकि उतना सीन के अंदर मेरी आइज दिख ही नहीं रही है। और यहाँ से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके आप लोग उसे और रियलिस्टिक बना सकते हो। तो रोटो ब्रश से सिर्फ उतना ही एरिया दिखाएगा जितना मैंने सिलेक्ट किया है, वही एरिया मेरे वीडियो फुटेज के अंदर है। देखो अभी ये सीन कुछ इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे जो मेरी आइज है ये मेरे फेस के ऊपर से जा रही हैं। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक कर सकता हूँ। मैं इन सब को पकड़ के अपने नल पॉइंट्स को भी पकड़ लेता हूँ, इन्हें प्री कंपोज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। प्री कंपोजिशन जब मैं बना लेता हूँ तो उसके अंदर मैं आराम से उसे मास्क कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे मेरी आइज दिख भी नहीं रही है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कहीं पे जाके एक मास्क यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मास्क क्रिएट किया, मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे उल्टा दिखाए, जो भी मैंने मास्क किया है उसे छोड़ के मुझे सब कुछ दिखाए, मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे जस्ट इसे एनिमेट करना है मास्क पाथ को, जो कि बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है करना अगर आपका सीन बहुत अच्छे से ट्रैक हो चुका है, कई शॉट्स के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग इजी टूल्स के साथ इजी चीज़ें कर सकते हैं। तो जस्ट मुझे इसे मास्क आउट करना है और देखो यहाँ पे सीन में नहीं है तो यहाँ से मास्क आउट कर दो। तो जैसे अभी मेरा सीन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पे बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे इसे ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करके देख सकते हो। अपनी आइज़ का ब्लेंडिंग मोड आप जब चेंज करोगे तो आप लोग बहुत सारे अलग अलग से इफ़ेक्ट्स देख सकते हो अपनी आइज़ के ऊपर। जैसे देखो अभी ये ऐड पे है तो मैं इसे अभी चेंज कर सकता हूँ, तो अभी ये अलग अलग से इफ़ेक्ट्स मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है। तो ये देखो हॉरर इफ़ेक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो ये इजीली आप लोग बना सकते हो। और भी इसके अंदर रियलिस्टिक चीज़ बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर
कुछ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि जब ये चेंज हो रही हैं इसके आइज़, तो वहाँ पे ग्लो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं पॉइंट जूम का यूज़ कर सकता हूँ। पॉइंट जूम एक इफ़ेक्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक पॉइंट से जूम इफ़ेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर इसकी लेंथ और इंटेंसिटी को एनिमेट भी कर सकता हूँ। अब अगर आप लोग एक हॉरर मूवी बना रहे हो, तो आप लोग इसमें रेड जायंट मैजिक बुलेट का लुक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब मैं एडिट में जाता हूँ, तो यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, तो अब देखो ये सीन कुछ कितना डरावना सा यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। कलर्स यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ ताकि सीन मेरा अलग सा लगे। लेकिन अब अगर मैं इसके जो मैंने रोटो किया था उसके अंदर मैं अगर कर्व्स लगा दूँ, तो ये देखो उसकी आइज़ के अंदर हम लोग ये वाला इफ़ेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो जितना मैंने वहाँ पर रोटो किया था, उतना एरिया वहाँ पर उस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये इफ़ेक्ट्स आप लोग बना सकते हो। किसी भी हॉरर मूवी को बनाने के लिए आप लोग ये सीन्स का यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे VFX शॉट्स आप लोग बना सकते हो एक हॉरर VFX के लिए। लेकिन अगर मैं अब इसके आइज़ का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह से मुझे, तो ये कुछ ज़्यादा हॉरर यहाँ पर मुझे लग सकता है। तो दोस्तों, अपनी हॉरर वीडियोज़ के लिए आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो।